For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahakar and welcome to Movies Adda. Well, Ajay Devgan, Rakul Preet and Tabu starrer film यानी कि दे दे प्यार दे का सेकंड सॉन्ग फाइनली आउट हो चुका है, जहां पर आप देखेंगे कि अजय देवगन रकुल प्रीत को रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं और गाने का नाम है तू मिला तो है ना। वेल, अगर इस गाने की बात करूँ तो इस गाने में एक स्पेशलिटी ही नजर आई मुझे, जो कि है अरिजीत सिंह की मैजिकल वॉइस। यस, अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव इन आवर कंट्री एंड साथ ही साथ अमाल मलिक की आवाज़ है, तो कहीं ना कहीं गाना ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हो ही जाता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इस गाने की बात करूं, जिस तरीके से विजुअलाइजेशन किया गया है इस गाने का, जहां पर रकुल प्रीत नजर आ रही हैं अजय देवगन को रोमांस करते हुए, दोनों एक दूसरे के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप को ग्रो करता हुआ दिखा रहे हैं, किस तरीके से साथ में रहते हैं, किस तरीके से साथ में शॉपिंग कर रहे हैं, तो दोनों की लव स्टोरी जो है वो इवेल्युएट होती हुई नजर आ रही है थ्रू द सॉन्ग। एक जर्नी दिखाई जा रही है उनके प्यार की। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, मुझे पर्सनली अगर मैं सिर्फ अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो मुझे दोनों की कोई केमिस्ट्री नजर नहीं आई। हालांकि कुछ सीन्स हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री नजर आने के चांसेस थे, लेकिन नहीं नजर आ रही है दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है। और इससे पहले जो गाना रिलीज किया गया था जिसका नाम था मुंडे कहंदे वड्डी शराबन, जी हाँ, डांसिंग ट्रैक था ऑफकोर्स वो गाना। अगर मैं उस गाने के कंपैरेटिवली बात करूँ, उस गाने में फिर भी मुझे कहीं ना कहीं कुछ हद तक केमिस्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन इस गाने में उतना कुछ ज्यादा केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही दोनों ही एक्टर्स के बीच में, अजय देवगन और रकुल प्रीत के बीच में। उसके अलावा अगर इस गाने की बात करी जाए, तो गाना काफी सूदिंग है, लिरिक्स भी नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक ट्रैक नहीं है या फिर कोई अंडररेटेड रोमांटिक ट्रैक भी नहीं है। इट्स वेरी नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन योर मूड कि अगर आपको पसंद आ सकता है या नहीं पसंद आ सकता। बट हाँ, अपनी तरफ से मुझे ये गाना नॉर्मल लगा और केमिस्ट्री भी मुझे थोड़ी सी कम लगी दोनों ही एक्टर्स के बीच में। बट रियली वेटिंग कि कब इस गाने का टाइटल ट्रैक रिलीज होगा और कब जो है ये फिल्म आने वाली है, क्योंकि ट्रेलर काफ़ी धमाकेदार था, ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार भी था साथ ही साथ, तो देखना ये होगा कि कब जो है बाकी के करके ट्रैक्स बाहर आते हैं। लेकिन ये गाना, अगर मैं अपनी तरफ से इस गाने के लिए बात करूँ, तो मैं इस गाने को देना चाहूँगी सिर्फ 2.5 स्टार्स। बाकी आप लोगों को सॉन्ग कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।